ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष केंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। कुंभ राशि मई माह 2019 का राशिफल, भूमि वाहन भवन सुख मिलेगा, प्रार्थना क्या है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को मई माह कैसा रहने वाला यह हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुंभ राशि में मई माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ताकि उसके अनुसार उनके प्रभावों को अच्छी तरह से जान सके। सूर्य 15 मई तक पराक्रम भाव में मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद 15 मई से वृष राशि में शुभ भाव में रहेंगे। मंगल 7 मई तक वृष राशि में आपके शुभ भाव में रहेंगे, 7 मई से मिथुन राशि में पंचम भाव में रहेंगे। बुध 3 मई तक मीन राशि में आपके धन भाव में रहेंगे, 3 मई से पराक्रम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे और 18 मई से वृष राशि में सुख भाव में गोचर करेंगे। गुरु वृश्चिक राशि में आपके कर्म भाव में वक्री रहते हुए गोचर करेंगे और शनि धनु राशि में आय भाव में पूरे माह रहेंगे और राहु केतु भी क्रमशः आपके पंचम भाव में एवं आय भाव में पूरे माह रहेंगे। दोस्तों, मैं इस माह से एक सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग शिफ्टिंग मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आज अभी हम जिस अवस्था में है उसके लिए आप और हम ही जिम्मेदार है। ये अवस्था हमारी प्रार्थनाओं का ही फल है और इस अवस्था को हम प्रार्थना से ही बदल सकते हैं और इस जीवन में सभी को प्रार्थना से ही मिला है। दोस्तों, जिंदगी निरंतर बढ़ रही है, उन्नति कर रही है। मानव की हर पीढ़ी उत्तरोत्तर विकास कर रही है और इसलिए मानव अपनी संतति को जन्म देकर उसकी वृद्धि की प्रार्थना परमात्मा से करता चला आ रहा है और उसकी अगली पीढ़ी वास्तव में उससे आगे जा रही, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। कभी भी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, जो उसके पास है उसे भी धन्यवाद नहीं करते हुए सिर्फ शिकायत करता रहता है। मुझे ये नहीं मिला, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी पत्नी, भाई, माता पिता या वस्तुएं नहीं है, या मिली है तो ठीक नहीं है, यहां तक कि वह परमात्मा को भी गलत सिद्ध करता रहता है। आप अभी जिस अवस्था में उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। परमात्मा ने आपको प्रगति उन्नति के लिए ही इस पृथ्वी पर लाया है और इस जीवन के चक्र को चलाने के लिए आपको पांच महत्वपूर्ण अंग दिए हैं। वो हैं शरीर, मन, माइंड और आत्मा, और पांचवा फैक्टर है स्वयं, वो परमात्मा ही। इस संसार का तालमेल बिठाकर ही, इन चारों का बैलेंस करके ही आपको आगे बढ़ना है और उस पांचवे फैक्टर परमात्मा को पाना है। लेकिन आप इन चारों का बैलेंस नहीं बनाकर कभी मन की सुनकर कार्य करते हैं और असफल होते हैं, कभी माइंड की सुनकर कार्य करते हैं और असफल होते हैं और परेशान होते हैं। जब तक चौथा फैक्टर आत्मा मिसिंग है, तब तक जीवन चक्र की धुरी पूरी नहीं होगी। उसे कार्य में सफलता और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आनंद स्वयं पांचवा फैक्टर परमात्मा ही है। ईश्वर ने अपना ईश्वर मानव के लिए बनाया, लेकिन मानव ने कभी उसे जाना नहीं और वह उसे बलात् हासिल करना चाहता है। फलस्वरूप वह भटकता रहता है और उसे वो ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती जो उसी के लिए बनाया गया है, जबकि परमात्मा प्रेम के वश में है। यदि परमात्मा से प्रेम से प्रार्थना करते हुए आप सर्वस्व भी मांग ले तो वो मना नहीं करते हैं। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को ही मिलती है, लेकिन पुत्र के अंदर प्रेम का अभाव होने से विश्वास नहीं होता और वो पिता के विरुद्ध जाकर संपत्ति लड़कर हासिल करने की सोचता है। लड़कर भी कोई अधिकार मिलता है, वो तो प्रेमवश मिल ही जाता है और प्रेम के अभाव में सारे फैसले गलत करता रहता है और प्रेम और अधिकार से वंचित रहता है। ये कितनी बड़ी बात है कि यदि परमात्मा से प्रार्थना में आप सर्वस्व भी मांग ले तो वो मना नहीं करते, वो सिर्फ तथास्तु ही कहते हैं। लेकिन ना हमारे पास ज्ञान है ना प्रेम है तो प्रार्थना कैसे निकलेगी, सही प्रार्थना कैसे उठेगी। हमें प्रार्थना करना ही नहीं आती, इसलिए जितना ज्ञान है उसी के अनुसार प्रार्थनाएं निकल रही है और उसके पूरी होने पर परेशान हो रहा है। वो तो देने को राजी है, उसने तो दे ही दिया है, आपको पाने की दे दी,
पूरा सृष्टि का ईश्वर आपका ही, बस आपको लेने का तरीका आना चाहिए। जिसने भी ये तरीका जान लिया है उस सरल व्यक्ति को आज लाखों करोड़ अरबों रुपए कहां से आ रहे हैं पता ही नहीं चलता। उसे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते और उसके पास बेहिसाब अर्थात अनंत से अनंत आ रहा है। और दूसरा कठोर व्यक्ति दिन रात लगा रहता है 2 जून की रोटी कमाने के लिए। ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर मिसिंग लिंक है, उसके पास वो समझ नहीं है जो पैसे को आकर्षित कर सके। उसके पास वो मैग्नेटिक पावर नहीं है जो ईश्वर को आकर्षित कर सके। एक बार लोहा मैग्नेट से घिसकर मैग्नेट हो जाए, एक बार व्यक्ति ईश्वर से घिसकर मैग्नेट हो जाए यानी ईश्वर हो जाए, तो आपके अंदर भी वो मैग्नेटिक पावर ईश्वरी तत्व आ जाएगा और ईश्वर आपका हो जाएगा। ईश्वर आपकी तरफ खींचा चला आएगा, पर उसके लिए भी प्रार्थना करना होगी। पर क्या आप सही प्रार्थना कर रहे हो? प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे की जाती है, इसे हम जून के राशिफल में जानेंगे। अब देख लेते हैं कि कुंभ राशि में मई माह में ग्रहों के प्रभाव कैसे रहेंगे। आपकी राशि में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर 15 मई तक पराक्रम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करने से जातक को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उत्साह ऊर्जा पराक्रम में वृद्धि होगी तथा बिजनेस द्वारा अन्य कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। लेकिन सूर्य इस समय सातवीं अशुभ दृष्टि से 9वे भाव को देख रहे होने से भाग्य उन्नति एवं धर्म पालन में कमी आ सकती है। जैसा सम्मान आपको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा। कहीं कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा कि यहाँ सम्मान या श्रेय मुझे मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा। अतः ज्यादा अपेक्षा ना करते हुए संतुष्ट एवं शांति बनाए रखें, क्योंकि सब उसके हाथ में है और आपको सब्र करना सिखाया जा रहा है, आपको मजबूत बनाया जा रहा है, आपको भविष्य के लिए ज्ञानी एवं संयमित बनाया जा रहा है। अब देखते हैं मंगल की स्थिति। आपकी राशि में दशमेश मंगल पूरे माह शुक्र भाव में रहते हुए आपको धनवान सुखी दानी बनाने वाले। दशम के स्वामी के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है एवं पूर्ण दृष्टि अपने ही राज्य भाव पर होने से माता की ओर से सुख भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करते हुए आपको धनवान एवं विद्वान बनाने वाले। क्योंकि सूर्य अपने मित्र मंगल के साथ रहेंगे अतः उत्साह एवं ऊर्जा बढ़ाने वाले। 6 मई के बाद मंगल मिथुन राशि में राहु के साथ अंगारक दोष का निर्माण कर रहे होने से सावधान रहें। जातक में इस समय तेज वेग ऊर्जा अत्यधिक होने से कोई भी काम सोच समझकर शांति की अवस्था में ही करें, गुस्से में या गर्मी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाएं। आपकी राशि में पंचम भाव एवं अष्टम भाव के स्वामी बुध 3 मई से धन भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे होने से उत्तम दशा स्थिति बन रही है। इसी तरह 18 से 31 मई तक शुक्र भाव में बुध एवं सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा होने से उत्तम दशा स्थिति बन रही है, जो आपको बुद्धि और विद्या बल प्रदान करने के साथ साथ मान सम्मान प्रसिद्धि एवं व्यापार से धन लाभ कराएगी। साथ ही गुरुदेव आय भाव के स्वामी होकर कर्म एवं राज्य भाव में दशम भाव में होने से अत्यंत शुभ योग बना रहे, परंतु लाभ परिश्रम से ही मिल पाएगा। वहीं गुरु धन भाव के स्वामी होकर कर्म एवं राज्य भाव में होने से जातक सरकार से सम्मानित होगा। जातक भाग्यवान धनवान सचरित्र गुणवान सरकार से धन लाभ प्राप्त करेगा। दशम भाव से 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर होने से उत्तम धन की प्राप्ति, परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा, कुटुंब की एवं धन की वृद्धि होगी। गुरु के 7वीं दृष्टि सुख भाव पर होने से भूमि वाहन भवन सुख धन वैभव सुख संपत्ति एवं आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि करने वाले हैं। जातक ठाट से अपना जीवन व्यतीत करेगा, ऐश्वर एवं आनंद का अनुभव करेगा। भी उच्च दृष्टि से रोग शत्रु के भाव को देख रहे होने से शत्रु पक्ष पर अत्यंत प्रभावशाली रहेंगे तथा झगड़ों के मामले में फायदा एवं सफलता मिलेगी।
इधर लगने शनि भी आय भाव में होने से जातक को धार्मिक सचरित सज्जन स्वाभिमानी साहसी प्रसिद्ध करने वाले हैं, जिससे आय की स्थिति अच्छी बनने वाली। गुरु शनि मिलकर बैलेंस सामंजस्य बना रहे हैं, दोस्तों से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना। गुरु शनि की नौवीं एवं सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से शिक्षा एवं संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। पुण्यदायी यात्रा के योग बन रहे हैं, धर्म कर्म के कार्य में संलग्न रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्जन एवं ट्रेनिंग के अच्छे अवसर बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। चतुर्थेश एवं भाग्य शुक्र धन भाव में होने से धन आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि प्रदान करने वाले जो पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। भूमि वाहन का कारक बन रहे हैं, पिता एवं गुरुजनों का आज्ञाकारी बनाते हुए माता से धन लाभ दिला रहे हैं। अतः दोस्तों, राहु केतु और शनि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहु केतु के सीधी सातवीं दृष्टि पंचम से आय भाव पर होने से अनावश्यक व्यय खर्चे परेशानी के योग बन सकते हैं। अतः सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मई में विशेषकर 8, 9, 10, 11, 12 एवं 21, 22, 23, 24, 25 तारीखों का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। अतः दोस्तों, कुंभ राशि वालों का मई माह बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाला है। इस माह भाग्य का प्रतिशत 80 से 90% रहेगा, अर्थात बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके धन सुख संपत्ति उन्नति विकास के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। खुशखबरी यह है कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण फ्री में पा सकते हैं। करना क्या है आपको, जो भी जातक अपनी कुंडली बनवाना और सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहता है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डाटा जैसे नाम, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दे। उसे 13 पेज की कुंडली और सूक्ष्म विश्लेषण 3 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। और दूसरी खुशखबरी यह है कि जो भी जातक मुझसे बात करना चाहते हैं, वे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में या समस्या के बारे में निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जातक अपनी और उन्नति जल्दी चाहता है तो इन उपायों के साथ साथ योग, प्राणायाम, ध्यान, नियम का पालन और नियमन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट का नियमित ध्यान आपको दुगनी गति से सभी क्षेत्रों में उन्नति दिलाने में सक्षम होगा। ये मैं नहीं, आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। उपायों के लिए मेरी 2019 की वार्षिक वीडियो देखें। व्रत के महत्व को जानने के लिए मेरी वीडियो व्रत का महत्व अवश्य देखें। यदि आप बहुत कुछ उपाय कर चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जरूर आपकी कुंडली में ऐसा दोष है या ग्रहों की दशा चल रही है जो आपकी सफलता में बाधक बन रही है, या आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर दशा भाव कुदृष्टि में है जो कुंडली का विश्लेषण करवा कर उन ग्रहों से संबंधित उपाय करके उन्हें पावरफुल किया जा सकता है और उनके शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है एवं अपने जीवन की वास्तविक सफलता का आनंद ले सकते हैं। अतः अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपने आप और अपने जीवन को जानकर सफलता पाएं। दोस्तों, एक बात मुझे यहाँ कहना पड़ रही है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अर्थात पसंद कर रहे हैं, पर लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे चैनल पर व्यूज 14 लाख से ज्यादा है पर सब्सक्राइबर 25,000 ही। दिस इज नॉट फेयर। दोस्तों, हम आपके लिए वार्षिक एवं मासिक राशि, भविष्यफल एवं उनके शुभ अशुभ योग, तारीखें आदि निकालने में बहुत ही श्रम एवं समय लगाते हैं। अतः कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एवं अपनी राशि के बारे में विस्तार से जानने के लिए अब मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे सभी यूट्यूब चैनल, ब्लॉगर, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट में जाकर अपना ज्ञान समृद्ध कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए टाइप करें आयुर्वेद से ज्योतिष के हल आजकल .com। यूट्यूब चैनल है चेतन अवचेतन हो जाए आयुर्वेद से ज्योतिष के हल। फेसबुक अकाउंट है शंभु दयाल सूर्या। ट्विटर अकाउंट है शंभु दयाल सूर्या।
ईमेल आईडी है suryadayalguru6268@gmail.com। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। धन्यवाद। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप हमारे सलाहकार एवं नित्यसिंह विशेषज्ञ पंडित संजय शर्मा एवं श्रीमती सुषमा विलेकर से संपर्क कर सकते हैं या मिल सकते हैं। सर्व हर्बल प्रोडक्ट वेलनेस सेंटर, यशवंत प्लाजा, इंदौर। कुंडली के विश्लेषण में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे जो आपको ही नहीं मालूम है, या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं पर उन्हें करना है या नहीं करना है ये आपको पता नहीं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आपकी उन्नति डबल हो जाएगी। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और इसे शेयर भी करें ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।